नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अपने घर में शेर माने जाने वाले भारतीय खिलाड़ी जो आईपीएल के शेर कहे जाते हैं, वो सीपीएल के खिलाड़ियों से हार गए, क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी में भी सीपीएल वाले खिलाड़ी थे और टीम इंडिया के खिलाड़ी में टीम में आईपीएल के खिलाड़ी थे। आईपीएल की टीम जो थी वो सीपीएल से हार गई और टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा वेस्टइंडीज से। अब इस हार के 5 विलन कौन से हैं, जिन 5 खिलाड़ियों की वजह से टीम इंडिया इस मुकाबले को हारी, आईपीएल के खिलाड़ी कैसे ढेर हो गए वेस्टइंडीज में जाकर, कैसे वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने धराशायी हो गए, तो चलिए इस हार के सबसे पहले मैं 5 विलन आप लोगों को बताता हूं। पहले विलन के तौर पर मेरा मानना है ईशान किशन, जो लगातार वनडे में बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, आते थे वनडे में टुक टुक करते थे, 50 गेंदों पर 50 रन बनाते थे, अपने आप को सूरमा समझते थे। जैसे ही T20 में आए, जैसे ही प्रेशर आया T20 का, बिखर गए और जल्दी आउट हो गए। दूसरा विलन मैं मानता हूं शुभमन गिल को। जी हां, शुभमन गिल भी बड़े रन बना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत धांसू बल्लेबाज है, क्योंकि आते थे टुक 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 मच्चक मच्चक चल के चले जाते थे और रन बनाते थे। लेकिन जैसे T20 आई, क्योंकि T20 में तो मेरे भाई तेज गति से रन बनाने पड़ेंगे, वहां तो आपको टेस्ट मैच नहीं खेलना पड़ेगा, अगर आपको मैच जीतना है तो आपके चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। तो शुभमन गिल भी और ईशान किशन, जो बड़े शेर माने जा रहे थे, आईपीएल के बड़े अपने आप को नवाब समझते हैं, वो वेस्टइंडीज के खिलाफ आते ही ढेर हो गए। ये दोनों मेरे इस हार के सबसे बड़े विलन हैं, जिन खिलाड़ियों को मैं सबसे बड़ा विलन मानता हूं, क्योंकि दोनों ओपनर थे और ये टारगेट चेजेबल था। ऐसा नहीं है कि ये टारगेट चेज नहीं किया जा सकता था, ये टारगेट चेज किया जा सकता था, इस टारगेट को हासिल किया जा सकता था, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से फेल हो गए और टीम इंडिया को हार के मुंह में ढकेल दिया। तीसरे विलन के तौर पर अगर मैं बात बताऊं तो मुकेश कुमार। जी हां, मुकेश कुमार से जितनी उम्मीदें थी उतनी बेहतर गेंदबाजी मुकेश कुमार नहीं कर पाए, पूरी तरीके से फेल हो गए। उसके बाद में अगर मैं गेंदबाजी के तौर पर बताऊं तो सबसे बड़ा विलन अगर इस मैच का है तो वो है अक्षर पटेल। पहले तो गेंदबाजी में सबसे महंगे साबित हुए, उसके बाद में जब बल्लेबाजी करने आए तो संजू सैमसन को रनआउट करवा दिया और यहां पर मैच पलट गया। जो लग रहा था कि शायद मैच टीम इंडिया जीत जाएगी, अक्षर पटेल की उस गलती की वजह से मैच पलट गया। तो अक्षर पटेल इस मैच के सबसे बड़े विलन है और कोड़े मारने चाहिए इस विलन को। एक तो रनआउट करवा दिया, गेंदबाजी में विकेट नहीं चटका पाए और फिर खुद रन भी नहीं बना पाए। ऐसा नहीं कि खुद रन बनाकर टीम इंडिया को मैच जिता देते, खुद भी रन नहीं बना पाए। तो अक्षर पटेल इस हार के एक और विलन है। उसके बाद में अगर मैं विलन के तौर पर देखूं तो सबसे बड़े विलन, देखिए मैं दो को मानूंगा, हालांकि थोड़े से रन बनाए लेकिन जब उनको स्टार्ट मिल चुका था तो बड़ी पारी खेल सकते थे, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। इन दोनों को स्टार्ट मिल चुका था, दोनों अगर चाहते तो बड़ी पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत के करीब पहुंचा सकते थे, लेकिन वही लापरवाह शॉट, वही आते ही हर गेंद पर छक्का मारने का प्रयास और टीम इंडिया को ले डूबे। नाम बहुत बड़े हैं टीम इंडिया में, ऐसा नहीं कि नाम बड़े नहीं है, बड़े बड़े नाम है, अपने आप को बड़े दिग्गज समझ सकते हैं, अपने आप को बहुत बड़े धुराधर समझते हैं, लेकिन क्या हुआ, आते ही वेस्टइंडीज की टीम के आगे ढेर हो गई। और ये दोयम दर्जे की गेंदबाजी है, ऐसा नहीं है कि गेंदबाजी बहुत धुआंधार है या बहुत तकड़ी गेंदबाजी है, दोयम दर्जे की गेंदबाजी के आगे टीम इंडिया के शेर ढेर हो गए। तो आपका टीम इंडिया की इस हार पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।